हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी पहली वाली क्लास में पढ़ा कि गरीबी की समस्या क्या है और भारत में इसकी समस्या के उत्पन्न होने के क्या कारण हैं, क्या कारण रहे भारत में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार निर्धनता की स्थिति भारत की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों पर क्या दुष्परिणाम डालती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गरीबी के दुष्परिणामों के बारे में। हमने गरीबी की स्थिति को देखा। इसकी स्थिति को देखते हुए पता चलता है कि भारत की एक प्रमुख आर्थिक समस्या के रूप में यह देश के आर्थिक विकास में प्रमुख बाधक है। सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए तो गरीबी की स्थिति सामाजिक भेदभाव को जन्म देती है और इसके कारण समाज में सामाजिक तनाव भी उत्पन्न होते हैं, भेदभाव उत्पन्न होता है। समाज दो भागों में विभक्त होता है। मानव द्वारा मानव के आर्थिक शोषण की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है। निर्धनों को सामाजिक तनाव और अपमान का शिकार होना पड़ता है। अशिक्षा, अज्ञानता और अंधविश्वास की वृद्धि निर्धनता की स्थिति के कारण समाप्त नहीं होती हैं और ये चीज़ें यथावत बनी रहती हैं, क्योंकि समाज में इन का विकास करने के लिए आवश्यक संसाधन गरीबों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। गरीबी के कारण आज भी कई लोग आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन जैसी समुचित सुविधाओं को प्राप्त करने में असमर्थ हैं और इनको बहुत ही दयनीय परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करने को मजबूर होना पड़ रहा है। आज भी भारत में कई लोग फुटपाथों, नालियों और कई ऐसे गंदे स्थानों पर रहते हैं। निर्धनता के कारण समाज में कई तरह की खतरनाक बीमारियां और महामारियों के पैदा होने की समस्या बनी रहती है। निर्धनता की स्थिति में बच्चों को उपलब्ध उचित संसाधन उपलब्ध न होने के कारण, शिक्षा न मिलने के कारण, समुचित सुविधाएं न मिलने के कारण उनमें अपराध, विशेषकर बाल अपराध का के उत्पन्न होने का डर बना रहता है। नशाखोरी और गलत तरह के कार्यों में उनके व्यस्त रहने की समस्या उत्पन्न होती है। चारित्रिक पतन और अपसंस्कृति का विकास होता है जिससे मानव के नैतिक जीवन पर गलत असर पड़ता है। गरीबी के कारण लोग गलत कार्यों में लगकर अपने जीवन यापन करने को मजबूर होते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, चोरी, लूटपाट जैसी घटनाओं के का जन्म होता है और दिनों दिन यह घटनाएं बढ़ रही हैं। परिवार, समाज और राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विघटन में भी को बढ़ाने में ये समस्या सहायक होती है। जब व्यक्ति गरीबी के कारण अपना जीवन जो है सही ढंग से जी नहीं पाता है तो मानसिक असंतुलन जैसी अनेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। पर्यावरण संकट की स्थिति काफ़ी हद तक गरीबी की देन है, क्योंकि आज भी बड़े बड़े महानगरों में ऐसी स्थिति है। जैसे मुंबई की स्थिति देखी जाए तो वहाँ पर धारावी में इस तरह की स्थितियाँ हैं, वहाँ पर इतनी गरीबी है और लोग बाग कम संसाधनों में और गंदगी में अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। इस तरह से कि परिस्थितियों के कारण पर्यावरण संकट की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। इस समस्या ने आतंकवाद, अपराधों को इतना अधिक बढ़ा दिया है जो भारत की विकास में एक चुनौती के रूप में उत्पन्न हुई हैं। हिंसा और गैरकानूनी गतिविधियां बढ़ी हैं और साथ ही लोगों में कर्जदारी की समस्या भी उत्पन्न हुई है। इस तरह से देखें बच्चों तो हम लोग देखते हैं कि ये तो गरीबी के ऐसे प्रत्यक्ष कारण हैं, पर दुष्परिणाम हैं जो हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी समस्याएं हैं जो गरीबी और निर्धनता के कारण उत्पन्न हुई हैं और भारत की स्थिति काफ़ी
गंभीर है इस मायनों में। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए सरकार ने अपने संसाधनों के अनुरूप प्रयास किए हैं कि निर्धनता की समस्या को कम किया जाए। सरकार ने अपनी हर योजना में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से यह प्रयास किया है और गरीबी की समस्या को हमेशा दृष्टिगत रखते हुए इस दिशा में प्रयास किए हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को देखा जाए तो पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना, विभिन्न संसाधनों की पूर्ति के लिए धन उपलब्ध करवाना, तकनीकी और कुशलता को शैक्षिक कुशलता को बढ़ाना पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य रहा है। भारत सरकार ने गरीबी के स्तर को कम करने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार की बजट राशि उपलब्ध करवाई है, जिससे जिसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। यदि प्रथम पंचवर्षीय योजना में देखे जाए तो कृषि क्षेत्र की स्थिति को सुधारने के लिए, किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को प्रदान की गई। कृषि श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए प्रयास किए गए। इसके अलावा बेरोजगारी निवारण के लिए 11 सूत्री कार्यक्रम बनाए गए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उद्योगों में आय के अवसर बढ़ाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आय में 25% वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। इस तरह से हम देखते हैं बच्चों, तो हर पंचवर्षीय योजना में कोई ना कोई प्रयास हुआ जिसके माध्यम से सरकार ने यह प्रयास किया कि भारत में गरीबी की स्थिति कम हो। सातवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धनता उन्मूलन के अनेक उपायों के साथ साथ स्वरोजगार योजनाओं को भी लागू किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक उदारीकरण, वैश्वीकरण की प्रवृत्तियों को शामिल किया गया ताकि भारत का आर्थिक विकास हो सके और उसका लाभ समाज के सभी जो वर्ग हैं उनको मिल सके। इसके अलावा कुछ ऐसे उपाय किए गए कि परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किए गए 1975 में, जिसका उद्देश्य क्या था, मूल रूप से निर्धनता और आर्थिक शोषण को कम करते हुए समाज के जो कमजोर तबके हैं उनको ऊपर उठाना। इस तरह से सरकार ने अपना ध्यान जो था वो सरकारी योजनाओं की तरफ केंद्रित किया गया। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम लागू किए गए। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो 1978-79 में शुरू हुआ, जिसमें क्या हुआ, सब्सिडी और रोजगार अवसरों के लिए बैंक ऋण के रूप में ग्रामीण गरीबों को सहायता देने का प्रावधान रखा गया। ग्रामीण क्षेत्र में जवाहर रोजगार योजनाएँ लागू की गई। ग्रामीण आवास, जिसमें BPL श्रेणी से नीचे के लोगों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा आवास योजना का शुरुआत की गई। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, जिसमें रोजगार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना लागू की गई, जिसमें 60 से 80 वर्ष आयु वर्ग के आवेदकों को वृद्धावस्था पेंशन की राशि 200 रुपये प्रारंभ में रखी गई, 200 रुपये प्रति माह। 2011-12 के बजट के अनुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए इसको 500 रुपये कर दिया गया। अन्नपूर्णा योजना लागू की गई, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को 1 महीने में 10 किलो मुफ्त अनाज प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, सब्सिडी, जिसमें क्या रखा गया, प्रधानमंत्री जनधन योजना में सब्सिडी, पेंशन, बीमा के प्रत्यक्ष लाभ देने और 1.5 करोड़ बैंक खाते खोलने का इसमें लक्ष्य रखा गया। और यह योजना इस प्रकार से बनाई गई कि समाज में आर्थिक असमानता कम हो, समाज के प्रत्येक वर्ग को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। तो ये तो हम देखते हैं बच्चों कि सरकारी स्तर पर क्या प्रयास हुए। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए।
जो मूलभूत सुझाव हम दे सकते हैं वो है कि सामाजिक और आर्थिक संरचना में परिवर्तन किया जाए, समाज में जो आर्थिक और सामाजिक असमानता है उनमें कमी लाई जाए, आर्थिक संसाधनों का समाजीकरण किया जाए, उनका सही ढंग से वितरण किया जाए, पूंजीवादी प्रवृत्तियां समाज में कम हो, सभी स्तरों का समान विकास हो, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करते हुए सरकार विभिन्न प्रकार की इस तरह की योजनाएं चलाएं जिससे रोजगार उपलब्ध हो सके। वर्तमान समय में सरकार ने स्टार्टअप को शुरू करके युवाओं के सामने एक नए प्रकार का योजना प्रस्तुत की है जिसके माध्यम से वो कुछ धनराशि कर्ज से लेकर के ऋण के रूप में लेकर के अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जिसमें भारत को और भारतीयों को काफ़ी सफलता मिली है और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, काले धन को कम करना, उपभोक्ता सामग्री के मूल्य नियंत्रण और उसका सही ढंग से वितरण करना, भारत के तीव्र आर्थिक विकास पर जोर देना, गरीबों को सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना और सही तरीके से ऋण उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना, फिजूल खर्ची को ख़त्म करना और भारत के विभिन्न भागों में जनता को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना, भ्रष्टाचार लाल फीताशाही जैसी प्रवृत्तियों को कम करना, शिक्षा के प्रचार पर बल देकर सरकारी योजना में जितनी भी आ रही कमियां हैं उनको दूर करके परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के जो कार्यक्रम हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू करके और उसमें कठोर नियम बनाकर गरीबों के लाभ हेतु आर्थिक संसाधनों का सही ढंग से वितरण और निर्धनता उन्मूलन हेतु समाज के सभी वर्गों, संस्थाओं और सरकार के समन्वित प्रयासों को व्यक्तिगत स्तर पर प्रोत्साहन देकर ही हम लोग भारत में गरीबी की स्थिति को हम लोग एकदम कम नहीं कर सकते बेटा, लेकिन फिर भी हम लोग इसको नियंत्रण में ला सकते हैं ताकि समाज की जो देश की जो आर्थिक स्थिति है उसको सही बनाया जा सके और जितनी भी गलत प्रवृत्तियां या आर्थिक दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनको समाप्त किया जा सके। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन पर ध्यान देकर भारत में निर्धनता की स्थिति को कम किया जा सकता है। धन्यवाद।